हाँ देखना, जो तुम लोग को आज सीखना है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। कब? जब तुम्हें ट्रायंगल का तीन वर्टिसेस दिया हुआ है, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और बोलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, याद रखना फॉर्मूले को। जैसे एक ट्रायंगल तुम्हारे पास ए बी सी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन, इसका एक्स टू कॉमा वाई टू एंड सी का कोऑर्डिनेट एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री दिया हुआ है, और इसका एरिया निकालने बोलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला होता है बैकग्राउंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन एंड प्लस। में हाँ हाँ बोलो। बहुत आवाज आ रहा है। नहीं तो सबको आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है कुछ क्या आवाज आ रहा है? सर, आवाज आ रहा है। सर किस चीज़ की आवाज़ आ रहा है? तो मेरे को तो कुछ वैसे पता नहीं चल रहा है यार। अभी क्या बता रहे हैं? क्या अभी क्या लिखे हैं ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लिख लो सब कोई। आवाज आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, हल्का। ज्यादा नहीं सर, लग रहा है ना रेडियो चल रहा है पीछे। अच्छा पता नहीं यार, लिख लो फॉर्मूला लिख लो। ये लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिख लिया? नहीं सर, रुक जाए 1 मिनट। इसमें दिखा रहा है कुछ आवाज जाती हुई। हो गया, लिख लिया फॉर्मूला। हाँ सर, लिखी रुको थोड़ा, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। एक मिनट थोड़ा वेट करना, ठीक हो जाने दो। ये आवाज जो आ रहा था अब नहीं आएगा। क्या हर्षदीप सो रहा था? हर्षदीप चलो, अभी भी आ रहा है क्या? अब तो नहीं आना चाहिए। नो सर, हाँ ठीक है, अब नहीं आएगा। चलो फॉर्मूला लिख लिया, आप क्वेश्चन दे रहे हैं इस पे, फटाफट करो और ये चैप्टर खत्म करो आज। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास, बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल
वर्टिसेस आर, हुज वर्टिसेस आर, ए दे रखा है 3.2, बी दे रखा है 11.8 एंड सी है 8.12। 2 मिनट के अंदर निकालो सब कुछ। थर्टीन स्क्वायर यूनिट्स। 13 वर्टिसेस आर 3.2, 11.8 एंड 8.12। गलत हुआ है, देखो जरा। हाँ यस सर, सर 50 स्क्वायर यूनिट। 50 नहीं, 50 नहीं, नहीं 25 है। देखो कहाँ गलती किया। आया 25 स्क्वायर यूनिट। सर बहुत ज़्यादा बता रहा है पीछे। यस सर आ गया। यस सर आ गया। चलो बढ़िया। किसने से नहीं बना ये क्वेश्चन? आसान था यार, फॉर्मूला लगाना था बस। कोई है जिससे नहीं बना हो तो बताओ। ये आंसर थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, गलत आ रहा होगा कोई ऐसा। हाँ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो देखो जल्दी करो। इसमें क्या था, डायरेक्टली बनाते चलो इसको, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 अज्यूम करो। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2, फिर तुम्हारा x1 यानी 3, फिर y2 माइनस y3 तो 8 - 12 प्लस x2 तुम्हारा 11 है, फिर y3 माइनस y1 तो 12 - 2 और प्लस x3 8 है और y1 माइनस y2 तो 2 - 8। 1/2 3 ये तुम्हारा हो जाएगा -4 प्लस 11 × 10 प्लस 8 × -6। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 1/2 -12 प्लस 110 -48। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा सॉल्व करके, कितना आया था ये 48, ये हो जाएगा 50। 48 और 12 = 60, 110 में से 60 गया 50। ये तुम्हारा आंसर है यहाँ से 25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो ठीक है। तुम लोग को हम एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए थे जिसमें क्वेश्चन ये था कि
अगर मिड पॉइंट का वर्टिसेस दिया हुआ है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का वर्टिसेस कैसे निकलेगा? तो उसी क्वेश्चन को हम फिर से दे रहे हैं, तो वहां से वो भी निकालना सीख लोगे, ट्रायंगल का वर्टिसेस भी और साथ ही साथ एरिया भी निकालते चलना। क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा है एकदम जो कल क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को हम दे रहे, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। दो काम रहेगा इसमें तुमको, पहला काम रहेगा ट्रायंगल का ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना, उसके बाद एरिया निकालना। तो क्वेश्चन ये है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जिससे नहीं बनेगा कोई बात नहीं, आर 1.2, 0.-1 एंड 2.-1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन कितने लोग बनाया था? ये क्वेश्चन तुम्हारे असाइनमेंट में एक ऐसा मैंने डाला था जिसमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और तुमसे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पूछा था। हाँ सर बनाए थे, एक तुमसे बना था और किसी से बना था, ये आधा बनाए थे उसका, आधा बनाए थे। मगर आज ये क्या हम सर स्टार्ट किए थे। बढ़िया है, चलो। वो सर वो जो इक्वेशंस निकला ना सा बाद में लास्ट में, उसके बाद वो सबको ऐड करके जो भी वैल्यू निकालना रहता है। ये थे बस। चलो कोई नहीं, इसको फिर से सिखा दे रहे हैं, जिससे नहीं बना था ये चीज वो सीख लेना।
आया किसी को, किसी का आंसर? सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस निकला क्या क्या? 3,2 -1,2 और 1,-4. 3,2 -1,2 और 1,-4. ठीक है, अब तो एरिया फिर निकल जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस. हाँ हाँ हाँ, चलो बढ़िया, ये जानना जरूरी था. जरा बता दें या अभी ट्राई करोगे तुम लोग? सर मेरा तो बस x1+2 और y1+2 आया. तो सबका आ रहा है, आगे ना करो. उसके आगे कैसे करेंगे सर? रुक जाओ, सबको बना लेने दो, एक मिनट का और टाइम दे रहा. बन गया या बताएं अब? बन गया सर. चलो देखो, जिससे नहीं बना उसको क्या करना था, बहुत टाइम दे दिया. ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मिड पॉइंट दे रखा है ए बी सी, अज्यूम करो. एक मिड पॉइंट दे रखा है 1,2, एक दे रखा है 0,-1 और एक दे रखा है 2,-1. तो कैसे करना है इसको? बाकी के वर्टिसेस को कुछ एज्यूम कर लो, इसको x1,y1 एज्यूम करो, इसको x2,y2 और इसको x3,y3 एज्यूम कर लो. मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता ही है. तो अगर हम ए बी की बात करें, किसका? ए बी साइड का. तो ए बी साइड के लिए हम देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x1+x2/2, y1+y2/2=1,2. इसके x को x के साथ और y के साथ रिलेट करोगे तो क्या मिलेगा, x1+x2=2 एंड y1+y2=4. ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर. उसी तरीके से फिर अगले बीसी साइड पे, इस वाले साइड पे. तो इसमें फिर क्या बनेगा, x2+x3/2, y2+y3/2=0,-1. ठीक है, तो यहाँ से x2+x3 कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा. क्लियर हो रहा है चीज? और फिर y2+y3 कितना हो जाएगा, -2. तीसरे साइड पे मूव करेंगे तो तीसरे साइड के लिए फिर से क्या बनेगा, x1+x3/2, y1+y3/2=2,-1. ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा, x1+x3=4 एंड
y1 प्लस y3 इक्वल्स टू माइनस 1। उसके बाद क्या करना है इस क्वेश्चन में, तुमको तीन अननोन क्वांटिटी था ना, तो तीन इक्वेशन तुम्हारा निकल के आया गया है। क्या करो, अभी तीनों इक्वेशन को ऐड कर लो एक बार, x वाले को अलग और y वाले को अलग ऐड करो, तो क्या बनेगा अब, तो x1 प्लस x2 ये वाला इक्वेशन फर्स्ट, फिर x2 प्लस x3 एंड प्लस ये लास्ट x1 प्लस x3 इक्वल्स टू, इधर 2 है, ये 0 है और ये 4 है, तो 2 0 4 ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सारा 2-2 है, x1 दो बार है, x2 दो बार है, x3 दो बार है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6, इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। वही काम तुम अब y के केस में करो, जिसको जहां भी दिक्कत होगा पूछते चलना। y के केस में क्या होगा, तो y1 प्लस y2 फिर y1 ये सॉरी यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ पे एक है ना, y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इक्वल्स टू, ये 4 है, यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ माइनस 1, तो 4 माइनस 3 तुम्हारा 1 आ जाएगा, क्या है सही है 4, उसके बाद है माइनस 2 और उसके बाद है माइनस 1, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है ना कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन लो, तो y1 प्लस y2 प्लस y3, एक मिनट मिलाना जरा, 1, 2, 0, -1 और 2, -1, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -1 एंड y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -1। अच्छा यहाँ -2 होता ना, तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, आई थिंक 4 और -2 4 प्लस -2 प्लस -2, तो तुम्हारा ये हो गया 0, इसलिए y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कहीं दिक्कत है यहाँ पे किसी को, है तो बोलते चलना भाई, किसी को भी नहीं है, सब आगे अब। हाँ बोलो सर, ये वाला फिर से समझाइए ना, इसके बाद ये सब इक्वेशन निकालने के बाद, क्या इक्वेशन निकालने के बाद, x1 प्लस x2 ये वाला नहीं समझ में आया, कौन सा इक्वेशन, तीनों निकल गया ना, हाँ अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेना था बस, जो तुम्हारा x वाले के टर्म में इक्वेशन है उसको ऐड करो, ये इक्वेशन इसको और इन तीनों को ऐड करो, तो x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल्स टू, इधर RHS में क्या है, इसमें 2 है पहले वाले में, इसमें 0 है और इसमें 4 है, तो 6 आ गया। तो यहाँ से सब कुछ 2-2 बार है, x1 दो बार है, x2 दो बार है और x3 दो बार है, तो 2 कॉमन लेके बाहर नहीं कर सकते हो, हाँ वही काम फिर y के केस में किए, ठीक है। अब इसके बाद बना जाना, अब इसी इक्वेशन को लो, ये तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन है और ये फिफ्थ इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 का यूज करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 देखो क्या था, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2, और इक्वेशन 4 देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3, और इक्वेशन 1 में x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना था, 2 था, तो हम इस x1 प्लस x2 को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो x3 यहां से क्या आ जाएगा 1। समझ में आया सबको, किसी को डाउट इसमें, x3 1 आ गया, तो फिर इक्वेशन इस वाले में x3 का वैल्यू पुट कर लो, आगे क्या था वो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4 था, x3 तुम्हारा 1 आ गया, तो x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, इसलिए x1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब x1 का 3 वैल्यू पता चल गया, फिर इसको तुम क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, इक्वेशन 1 क्या था, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2, x1 का वैल्यू 3 था, तो x3 प्लस x2 इक्वल्स टू 2, तो x2 कितना आ जाएगा -1, ठीक है। कहीं दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो बताएगा, नो सर।
वही काम फिर y के लिए कर लोगे, छोड़ दें अब आगे, उसके बाद तो एरिया निकालना था। यह 4 है क्या सर? क्या एरिया? मुझे नहीं पता एरिया, तो मैंने खुद से बोला निकाल लेने को। एरिया सबका कितना आया था? 4 आया था क्या? तो 14 आ रहा है। अच्छा, देख लेते हैं फिर कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक और इक्वेशन है y1 plus y2 plus y3 equals to 0, और तुम फिर से ये इक्वेशन यूज कर लो पहला, या दूसरा कुछ भी इक्वेशन है, या दूसरा क्या है y2 plus y3 equals to minus 2, तो y1 plus minus 2 equals to 0, तो y1 यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, y1 2 आ गया, फिर कोई इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर दो y1 का वैल्यू, तो y1 plus y3 equals to माइनस टू, वाई वन का वैल्यू टू था, तो टू प्लस वाई थ्री इक्वल्स टू माइनस टू, तो वाई थ्री कितना हो जाएगा? माइनस फोर हो जाएगा। वाई थ्री पता चल गया, इसी इक्वेशन में पुट कर लो फिर, तो वाई वन का वैल्यू तुम्हारा टू है, वाई टू निकालना है, वाई थ्री का वैल्यू माइनस फोर है इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से वाई टू कितना आ जाएगा? टू के बराबर आ जाएगा। तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गया, फिर एरिया निकाल लेना। तीन कोऑर्डिनेट इसका क्या क्या निकला? एक्स वन थ्री, वाई वन टू, 3.2, इसको ए ले लो, बी क्या, x2 कितना है? माइनस वन, और y2 कितना है? 2 है, ये 2 हो जाएगा, और c का कोऑर्डिनेट x3 तुम्हारा कितना आया था? 1 आया था, और y3 कितना आया था? माइनस 4 आया था। तीनों कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, फिर यहाँ से एरिया निकाल लेना। किसी को डाउट इसमें? किसी को भी नहीं है तो कल जो आखिरी असाइनमेंट भेजे थे हम कोऑर्डिनेट का, उसमें ऐसा एक दो क्वेश्चन था जिसमें तुम्हारा मिड पॉइंट का वर्टिसेस दे रखा था, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा था, और बोला था ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालो, तो इस तरीके से वहां से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना सकते। ठीक है, आगे बढ़ते अब इसमें। इसमें एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एरिया तुमने नेगेटिव सुना नहीं होगा। ये जो सिंबल है इसमें एरिया में, हमने ये वाला सिंबल यूज किया है ना, ये सिंबल एक्चुअल में एक मॉडुलस फंक्शन होता है, या मॉडुलस का सिंबल होता है, तुम आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में, या कभी हम अच्छे से इस पर डिस्कस कर देंगे। अगर इसके अंदर तुम्हारा कोई भी नेगेटिव टर्म आया, जैसे इस कंडीशन में इसको कैलकुलेट किया था ना, कहाँ गया, तो यहाँ प्लस 50 आ गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस 50 आता, तो इसको तुम क्या अज्यूम करके चलता हमेशा? प्लस 50 की तरह इसको ट्रीट करता। ठीक है, आगे इसके बारे में भी बता देंगे, बट अभी ध्यान में बस ये रखना, अगर इस मॉडुलस सिंबल के अंदर नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करना, इसका काम ही यही होता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट उसमें पुट करो, वो मॉडुलस सिंबल तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अभी बस इतना याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े इस पे। अब इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, हमारे एक तरीके का क्वेश्चन नहीं बता रहे, बट एक बस हम सिचुएशन दे दे रहे हैं कि ऐसा एक ट्रायंगल दे देगा, तीनों वर्टिसेस दे देगा, बोलेगा एरिया निकालो किस चीज का, तो तीनों वर्टिसेस के मिड पॉइंट को मिलाने पे जो ट्रायंगल बन निकल के आया उसका एरिया निकालने बोलेगा। तो ये काम तुम लोग कर लेगा, ये क्वेश्चन हम नहीं बता रहे। ठीक है, हो जाएगा ना, मिड पॉइंट निकाल लेना मिड पॉइंट फॉर्मूला से, और फिर वहां से एरिया निकाल लेना सबके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुमसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ दिया कभी भी, तो क्या करोगे? जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा तुमसे कि एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसका चार वर्टिसेस दे रखा है, दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे और दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। हाँ बढ़िया, जैसे इसका वर्टिसेस दे देगा तुम्हें 7.221, ये दे दिया तुम्हें, अभी बनाना मत अपना ये सब, बस सीख लो, ये दे रखा है 7.-3, और डी वर्टिसेस दे दिया तुम्हारा 12.2, बोल दिया इसका एरिया निकालो, तो करना कुछ नहीं, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लेना, और इसका एरिया बाय यूजिंग तुम्हारा एरिया फॉर्मूला, और इसका एरिया निकाल के क्या कर लेना, दोनों इक्वेशन को, दोनों एरिया जो निकल के आएगा, दोनों एरिया को फिर क्या कर देना, फाइनली ऐड कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते। और कोशिश करना, अगर तुम्हारे पास ऐसा वर्टिसेस मिले एक क्वाड्रिलेटरल का, कि जिसमें एक कोऑर्डिनेट 0.0 दे दे, और ये कुछ दे, और ये कुछ दे, तो ट्रायंगल सोच के बनाना, इसको ही ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन आसान होगा, क्योंकि एक तो तुम्हारा 0.0 हो जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हाँ सर, ये
तुम ये भी ज्वाइन कर सकता है इस वाले लाइन को भी, बट इसमें थोड़ा लेंदी जाएगा। अगर तुम ओरिजिन को लेते हुए दो ट्रायंगल बना लेगा तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन और इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल अगर आता है तो उसका भी एरिया तुम फाइंड आउट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कुछ सीख रहे हैं, इसमें नया चीज, एक आखिरी चीज और बच गया था, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट, तीन पॉइंट का कोलिनियर होने का कंडीशन। ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला में ही सिखाना था, बट मैं इसे आखिरी में ही सिखाता हूँ। इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। क्या होता है कोलिनियर, पता है ना सबको क्या होता है? कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता है क्या? बताओ बताओ भाई, कोलिनियर का मतलब किसको नहीं पता है? सबको पता है, बहुत बढ़िया। फिर तो हम तो बता नहीं रहे कोलिनियर होता क्या है, जब बताना ही पड़ेगा। चलो देखो, कोलिनियर क्या होता है, जब कोई, अभी तीन पॉइंट्स की बात कर रहे तो अभी सिर्फ तीन पॉइंट पे फोकस करेंगे। कभी भी तीन पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाए, एक दो तीन, तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग कैसा बोलेंगे, अभी कोलिनियर बोलेंगे। जरूरी नहीं तीन ही पॉइंट हो, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, बट अभी पढ़ना तुमको कितने पॉइंट्स के बारे में है, तीन पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। तो तीन पॉइंट कोलिनियर कब होगा ये डिस्कस करना है हम लोग को। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट का कभी भी एरिया सुना है क्या? कुछ एरिया निकल क्या है ऐसा? तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाता है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो हो जाता है तो तीनों तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, थ्री पॉइंट्स यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ये ध्यान रखना, बहुत ही आसान चैप्टर है, हम इसलिए बोल रहे हैं इसको। और अगले फ्राइडे या सैटरडे को जो भी टेस्ट है उसमें तुम्हारा एपी है, कोऑर्डिनेट है, और शायद मैंने पॉलिनोमियल भी रखा है, शायद, कंफर्म नहीं है, तो तुम लोग को उसका नोटिस मिल जाएगा। चैप्टर तीन या दो चैप्टर होगा, मुझे याद नहीं है। थ्री पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा, लिखते चलना ये सब चीजें, एक्स वाई टू एंड एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री आर कोलिनियर इफ एरिया, या इसको ऐसा लिख लो, इफ हाफ ऑफ एक्स वन, यहाँ हो जाएगा वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू इक्वल्स टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यानी एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन और प्लस एक्स थ्री y1 वन माइनस वाई टू क्या हो जाए? ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए, तो तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। कहीं डाउट इसमें किसी को? सर टेंथ में मॉड्यूलस है क्या? टेंथ में बाकी आधा बात बोलते। चलो देखो, एक तो तुम इसको एरिया से प्रूफ करोगे। नहीं भागा। हाँ क्या बोल रहा था? टेंथ में मॉड्यूलस है क्या? नहीं नहीं नहीं, टेंथ में नहीं करना, लेकिन सिखा देंगे तुम लोग को कभी आगे सब। तो लॉकडाउन तो खत्म होने दो यार, हो ही नहीं रह सकते, क्या कर सकते। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा कोलिनियर प्रूफ करने का, अगर एग्जाम में तुम्हें कंडीशन नहीं दिया हुआ या प्रोसेस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वाई यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करो या वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, मतलब दो तरीके से इसको कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। एक होता है एरिया का, अगर एरिया जीरो हो जाए, या दूसरा वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो बता रहे कैसे करना है। अगर एग्जाम में मेंशन नहीं होगा तो कोशिश करना इस वाले फॉर्मूला से, या दोनों में से कोई भी यूज कर लेने का। ठीक है, तो देखो दूसरा कंडीशन, एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर ए बी को और बी सी का डिस्टेंस, क्या ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना और पॉइंट बी सी का डिस्टेंस निकाल लेना, इन दोनों को मिलाएंगे तो ए सी का डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये सिचुएशन हो गया तो तुम्हारा तीनों पॉइंट फिर से क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। समझा? दो तरीके से कोलिनियर प्रूफ होता है, एक तो एरिया जीरो हो गया तो, या दूसरा सिचुएशन ए बी
प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के बराबर आ जाए तो तुम्हारा तीनों पॉइंट क्या कहला जाएगा? कोलिनियर कहला जाएगा। किसी को डाउट इसमें? किसी को भी डाउट है तो बोलेगा? नहीं है तो देखो एक क्वेश्चन करो इस पे, फिर खत्म करेंगे आज ये चैप्टर। क्वेश्चन लिखना, इसमें दो तरीका क्वेश्चन पूछता है। पहले एक तो सिंपली तुम इसको कोलिनियर ही प्रूफ कर लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही दे रहे, बेसिक चाहिए। प्रूफ दैट द पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। प्रूफ करो इसको, ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, दो से तीन मिनट का। आप सुंदर तरीके से प्रूफ मत करना, अभी हम तुम लोग से फेयर कॉपी नहीं डिमांड कर रहे हैं, अपना बस बनाते चलो। क्वेश्चन बस अच्छे से लिखना, हम फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन ढंग से लिखना, बाकी अच्छे से करो या ना करो। हो गया सर, हो गया कोलिनियर प्रूफ? यस सर। चलो ठीक है, बाकी लोग से नहीं हुआ जी? चलो देखो इसमें करना क्या था, बस एरिया जीरो आ गया ना, ठीक है। सर जीरो आएगा क्या? जीरो आना ही चाहिए तभी तो कोलिनियर होगा। ये सर आ गया, सर आ गया, ठीक है। तो फिर डिस्कस कर रहे इसको, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, ये एक्स थ्री और ये वाई थ्री हो गया। इसको एरिया में पुट करना और वहां से कोलिनियर प्रूफ कर देना। डिस्कस करना पड़ेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता सब। नो सर, बन गया ना सबसे? ऑनेस्टली बताना। हाँ सर, हाँ ठीक है फिर। चलो अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन ऐसा भी इसमें पूछ सकता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द पॉइंट्स के कॉमा टू माइनस टू के कॉमा माइनस के प्लस वन कॉमा टू के एंड माइनस फोर माइनस के कॉमा सिक्स माइनस टू के आर कोलिनियर। तुमको के का वैल्यू निकालना है कब? जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो। हाँ अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा अननोन वैल्यू निकालने, तो इस केस में हमेशा तुम ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू जीरो करके ही निकालना, क्योंकि ये आसान होगा। तुम इससे भी निकाल सकते हो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी करके भी, बट ये बहुत ही लेंदी होगा और मे भी ना भी निकले, ठीक है? तो कोशिश करना ऐसा कभी भी अननोन वैल्यू निकालने बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो करके ही बनाने का। पता चला क्या बोले? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए बस एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो करना। कोलिनियर प्रूफ करने आए तो तुम कोई भी काम कर सकता है, इससे भी बना सकता है और इस वाले पॉइंट्स भी बना सकता है, बट अननोन वैल्यू पूछ दिया और पहले से कोलिनियर दे रखा है तो तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ही जीरो करके दिखाना। चलो ठीक है, बनाओ इसको, के का वैल्यू निकालो।
आया किसी का के का वैल्यू? सर के का वैल्यू माइनस वन होगा। हाँ माइनस वन। सर आ गया। K का वैल्यू माइनस वन आना चाहिए। निकालो निकालो कोई जल्दी नहीं। तो माइनस वन। हाँ सर वन बाय टू है क्या? माइनस वन। K का वैल्यू माइनस वन। सर हो गया सर। बताया जाए छोड़ दिए बाकी लोग बनाया। सर दो वैल्यू ना होगा। सर वन बाय टू भी एक वैल्यू है। यस सर। ठीक है सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा था क्या? यस सर। शायद दो वैल्यू होना चाहिए। आंसर मुझे पता नहीं है इस क्वेश्चन में। दो वैल्यू आ रहा है क्या? यस सर। माइनस वन और वन बाय टू। के प्लस वन इक्वल टू जीरो आ रहा है और एक। यस सर। ठीक है तो दो होना चाहिए। आंसर मुझे नहीं पता था। चलो ठीक है सबसे बन गया या किसी को डाउट इसमें? बन गया। बन गया ना। चलो ठीक है फिर यही था तुम्हारा इस चैप्टर में बेसिक यही सब चीज था। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा तो अपना बनाते रहना। तुम लोगों तो असाइनमेंट वाला काम अब हम करेंगे नहीं कभी भी क्योंकि अब पछता ही रहे हैं हम। बेच के देख लिए कितना अच्छा रिस्पांस है तुम लोगों की तरफ से। तो अपना एनसीईआरटी बुक उठाना आरएसएल उठाना उससे बनाते रहना। जहाँ पे डाउट होगा अपने पूछते चलना तुम लोग। ठीक है एक क्वेश्चन और लिखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये पूछेगा नहीं कभी अब मैं भी पूछ दे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन ऐसा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर 3, 4 and 5, -2 नहीं पूछेगा कभी बट बना लेना रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बन जाएगा यार इफ पी ए इक्वल्स टू पी बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इक्वल्स टू
10 स्क्वायर यूनिट। बनाओ इसको, कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट दे रखा है ए एंड बी का, 3.4 एंड 5.-2। तुमसे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकालने बोल रहा है, उसमें दो कंडीशन है, जब दोनों इक्वल है पी ए इक्वल टू पी बी और उसका एरिया इक्वल टू 10 दे रखा है। कोशिश करो बनाने का। कितना आ गया? 4.1। हवा में तीर मार रहा है जी, गलत है। सर 7.2 7.2 ठीक है। दो इक्वेशन आएगा इसमें, दो इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करना होता है। नहीं बनाओगा तो बोलेगा सिखा रहे इसको। बताओ कोई है जिसे नहीं बना या ट्राई कर रहा है? अभी ट्राई कर रहा है? हाँ सर रुकिए। यस ठीक है ठीक। क्या एरिया का आवाज नहीं आ रहा तेरा? अच्छे से सेंट्रोइड को प्रूफ करके लाया था तुम लोग? सेंट्रोइड का क्यों फॉर्मूला x1+x2+x3y3 और y1+y2+y3y3 होता है, किसी ने करा था? यस सर। चलो देखो कैसे बने। नंबर में दिए थे ना? हाँ 15 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें असाइनमेंट में वही चीज था। चलो देखो इसको कैसे बनाना था। P के कोऑर्डिनेट को x, y अज्यूम कर लो, तो पहला कंडीशन क्या दे रखा है? PA equals to PB। हाँ जी अनुप्रभा, आज सीखे कि क्यों रूट कैंसल हुआ था। सुन रही है? हाँ सर। देखो कैसे होता है समझना। PA देखो, P पॉइंट हो गया x, y। A तुम्हारा दे रखा है 3.4 और बी दे रखा है 5.-2। तो पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस इक्वल दे रखा था, तो अगर हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो क्या बनता? x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x-5 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना होता है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट कैंसल हो जाएगा। क्यों होगा बताएगी? तुम्हारा ही क्वेश्चन था ना। क्यों होता है बताओ?
नहीं पता है? नहीं नहीं पता है, बेवकूफ लड़की। अगर ये तुम्हारा स्क्वायर रूट है ना, अच्छा ये एक चीज बता ना, अगर ऐसा लिखा हुआ है रूट अंडर ए, तो इसको ऐसे लिख सकती हो ए का पावर 1/2? हाँ। इस चीज का हाँ। अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ ए लिखा हुआ रहता है तो इसको लिख सकती है ए का पावर 1/3? हाँ। लिखेगी। तो अब देखना, अब हम क्या कर रहे हैं इस चीज का, क्या इसका स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं रूट ए का। ये दिख रहा है रूट ए, इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो रूट अंडर ए का होल स्क्वायर, तुम रूट अंडर ए को लिख सकती है ए का पावर 1/2 और इनटू 2। ये क्या दे देगा सिंपली रिजल्ट, ये देगा। समझ में आया कुछ? हाँ हाँ। तो वही काम यहाँ पे होता है। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो तुम्हारा रूट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फिर आगे फर्दर सॉल्व करेगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या आया था यार इक्वेशन बताओ, तुम ही लोग बताओ। अब इतना हम क्या सॉल्व करते रहेंगे सर? एक इक्वेशन आया था एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 1 और एक आया था 3x प्लस y इक्वल टू। और फिर दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा था? 10 दे रखा। x प्लस y इक्वल्स टू 9। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 दे रखा है, एक इक्वेशन ये आएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 था तो हाफ ऑफ इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 अज्यूम करो। तो x फिर 4 माइनस माइनस 2 तो तुम्हारा प्लस 2 हो गया 6। जहां नहीं आएगा समझ में पूछेगा, प्लस 3 तो माइनस 2 और माइनस वाई फॉर्मूला पे पुट ही कर रहे हैं इसको। और प्लस 5 ये तुम्हारा बनेगा वाई माइनस 4 और ये पूरा का पूरा इक्वल्स टू कितने दे रखा था? 10 के बराबर दे रखा था। ये 10 ये 2 को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। तो 6x प्लस ये तुम्हारा माइनस 6 हो गया और माइनस 3y प्लस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये इक्वेशन इसको सॉल्व करेगा तो क्या आया था इक्वेशन तुम्हारा? 3x प्लस y इक्वल टू 23। रुक जाना, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मॉडुलस साइन अभी मत हटा देना। एक चीज और सीख लो आज, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे तुम्हारा है 6x प्लस 5 और 3, 5 ये तुम्हारा 2y हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 26 इक्वल्स टू 20 होगा। एक चीज याद रखना, यहाँ पे तुम मॉडुलस साइन हटाओगे तो ये तुम्हारा प्लस माइनस 20 बनेगा, सिर्फ प्लस 20 नहीं रहेगा। क्यों ऐसा होगा तो समझना, जैसे तुमको स्क्वायरिंग वाला केस याद है जब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 लेते हो या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 रखते हो, तो वाई का वैल्यू सिर्फ 3 लेता है या प्लस माइनस 3 लेता है? सोच के बताना, वाई का वैल्यू 3 भी पॉसिबल है और माइनस 3 भी पॉसिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसी तरीके से अगर मॉड के अंदर तुम्हारा 2 दे रखा है, ठीक है, मॉड इक्वल्स टू ऐसा कुछ 2 दे रखा है, तो वाई का कितना वैल्यू पॉसिबल है? तुमको वाई के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है ना कि ये प्लस में वैल्यू या माइनस में, कभी पता चलेगा क्या? जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसका वैल्यू तुमको पता होता है क्या कि वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ऐसा कुछ होता है पता? बोलो। नो सर। नहीं, तो वो प्लस में भी आंसर हो सकता है और माइनस में भी आंसर हो सकता है ना। जैसे तुम अभी बताए ना वाई स्क्वायर वाला केस, वाई स्क्वायर अगर 9 है तो तुम वाई का वैल्यू आइदर प्लस 3 भी ले सकता है या माइनस 3 भी ले सकता है, तुमको तो वाई के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वही काम यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन में करना, अभी बस इस वाले सिचुएशन में करना। कभी भी अंदर ऐसा इक्वेशन आ गया एक्स वाई के टर्म में तो मॉडुलस साइन हटा करके तुम हमेशा प्लस माइनस दोनों सिंबल यूज करना। यहाँ से तुम्हारा एक्स और वाई का दो दो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज बस याद रखना अभी। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बनेगा, 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 20 प्लस 26 और एक आएगा 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 20 प्लस 26। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। एक बार 1 और 2 को सॉल्व कर लेना, x और y का वैल्यू निकल के आएगा, और फिर एक बार 1 और 3 को सॉल्व कर लेना, x और y का एक और वैल्यू निकल के आएगा। अभी बस इतना याद रखना,
कभी भी इस सिंबल के अंदर y प्लस एक्स के टर्म में कोई भी इक्वेशन आ गया ना अंदर में, इक्वल्स टू इधर कुछ भी रह गया, तो तुम y प्लस एक्स इक्वल्स टू हमेशा प्लस माइनस दोनों सिंबल यूज करेगा, सिर्फ प्लस में नहीं रखेगा। ठीक है, किसी को डाउट इस चीज में, किसी को है तो बोलेगा। नो सर, नहीं है, कभी हर एक सिचुएशन में प्लस माइनस ही रखना है, सही नहीं कि सिर्फ प्लस वाला रख के छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़े इस पे, यही सब था इसमें। अब तुम्हारा ये चैप्टर बेसिकली खत्म ही हो गया है, क्वेश्चन देते हैं, तू लोग बनाता नहीं है, छोड़ो उस पे बात ही करना बेकार है ना, क्वेश्चन बनाते रहना, जहां से बना सकते हो बनाओ। चलो उस कल का नहीं तो ये चैप्टर एक बार रिकैप करा दे रहे हैं, क्या क्या पढ़ा था इसमें तुमने पूरा का पूरा। पहला चीज सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, हम टर्म्स लिखते जा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में पता होते चलना चाहिए कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन कैसा कैसा अराइज हुआ था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में तुमने क्या क्या सीखा था, पहला डिस्टेंस निकालना, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ये भी पूछ सकता था, हम टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिखते जा रहे हैं, जिसको भी टॉपिक के अंदर जिस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत हो बोलते चलना, तीसरा डिस्टेंस दे देता था, डिस्टेंस गिवन रहता था और कोऑर्डिनेट का जैसे x कॉमा सिक्स है और 2.3 है, तुमसे x निकालने पूछ देता था, याद आ रहा है सब कुछ, डिस्टेंस देता था और अननोन क्वांटिटी का वैल्यू, अननोन वैल्यू निकालने बोलता था। चौथा तुमको क्वाड्रिलेटरल को डिफ्रेंशिएट करना था, क्वाड्रिलेटरल को डिफ्रेंशिएट करना था बिटवीन स्क्वायर, रॉम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। तो स्क्वायर के लिए कैसे प्रूफ करते थे, तो सारा साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, रेक्टेंगल के केस में भी सारा साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, रॉम्बस पैरेललोग्राम में सारा रेक्टेंगल में सॉरी अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल, रॉम्बस में ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बाद तुम इसमें तुम्हें ट्रायंगल में भी, ट्रायंगल के केस में भी इसमें क्वेश्चन अराइज होता था, उसमें भी तुमको आइसोसेलस या इक्विलेटरल या स्केलन इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने बोलता था, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में याद है इसमें हम लोग क्या करते थे, पाइथागोरस को बस प्रूफ कर देते थे। ये तुम्हारा था डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, और आज तुमने एक चीज और सीखा कोलिनियर प्रूफ करने का। तो क्या कोलिनियर के लिए, तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस कितने के डिस्टेंस के बराबर हो जाए, ए सी के डिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला में पूछता था, और एक चीज और दे देता था कि कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर और जो भी क्वाड्रिलेटरल उसका दो वर्टिसेस दे देता था, दो वर्टिसेस देता था और बोलता था तीसरा वर्टिसेस निकालो, चौथा वर्टिसेस निकालो। तो उसमें क्या करते थे, जैसे अगर ये रेक्टेंगल के केस में होता था तो एक तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, एक इक्वेशन आएगा और फिर एक डिस्टेंस वाला सिचुएशन यूज करके वहां से बना लेना, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। फिर इसके बाद तुमने सीखा था सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर एक लाइन सेगमेंट को कोई दूसरा लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालो, कुछ रेशियो में अगर कट कर रहा है तो। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, एम एक्स टू प्लस एन वाई वन एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। फिर इसमें तुमने मिड पॉइंट फॉर्मूला जाना था, उसका सिंपल फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा इसमें एक सिचुएशन में बताना भूल गया, इसमें इक्विडिस्टेंस का भी क्वेश्चन पूछता था, जो अभी एक क्वेश्चन जस्ट डिस्कस, डिस्टेंस वाले में क्या करते थे तो PA इक्वल्स टू PB करते चले जाते थे। तो ये सात आठ तरीके का क्वेश्चन तुमसे डिस्टेंस फॉर्मूला में पूछेगा। सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या रहता था, तो ये सेक्शन फॉर्मूला में तुमसे कोऑर्डिनेट निकालने बोल देता था, या फिर अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले से दिया हुआ है
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और तुमसे रेशियो निकालने बोल रहा है, तो रेशियो क्या कर देते, m is to n, lambda is to 1, कुछ में रेशियो को अज्यूम कर लेता था और वहां से आगे फिर काम करता था। फिर इसमें और क्या क्या क्वेश्चन मैंने सिखाया था कि अगर ट्रायंगल दिया हुआ है उसका मिड पॉइंट दिया है तो तीनों वर्टिसेस कैसे निकालोगे, ये भी सिचुएशन बता दिए थे तुम लोग को, ठीक है। और उसके बाद फाइनली तुमने आज सीखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसके लिए एक फॉर्मूला बताया, कोलिनियर का कंडीशन आज सिखाया, कोलिनियर क्या होता है, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, जीरो हो जाए तो तीनों पॉइंट क्या कहला जाता है, कोलिनियर कहलाता है। और फिर इससे बहुत तरीके का क्वेश्चन तुमने आज सीखा, यही बेसिकली लेखा जोखा था पूरा तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक का। अब इस क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बनाते रहना, कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछते चलना, ठीक है। कोई डाउट किसी को इस पूरे चैप्टर में कहीं भी हो सके, अभी समराइज में मैंने कुछ पॉइंट भूल गया होगा, मुझे याद नहीं होगा, बट मैक्सिमम पॉइंट मैंने कवर कर दिया कि इतने तरीके का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, कहीं दिक्कत। तेरा आवाज ही नहीं आ रहा है, बहुत धीरे आ रहा है, पता ही नहीं चला क्या बोला। नहीं आ रहा है आवाज तेरा, कोलिनियर बोलना चाह रहा है, रुक कोलिनियर बोल रहा है सर, कोलिनियर क्या, कोलिनियर क्या तो पता नहीं है क्या था, अपना सब माइक्रोफोन तो एटलीस्ट ठीक करो ना, सुनाई कुछ दे ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, एक असाइनमेंट फिर से तुम लोग को बता दे रहे हैं, जो कल का असाइनमेंट था, कहाँ गया, इसमें किसी को डाउट था कोई क्वेश्चन में क्या? यस सर। कौन सा क्वेश्चन में? डिस्को अब रहना है रो, नंबर 12। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन लग ही रहा था पूछेगा तुम लोग में से कोई ना कोई। डिटरमाइन द रेशियो इन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, ये सब मैंने कल डिस्कस किया था, बाकी जो भी बच्चे आए थे तुम लोग को तो हम भगाए थे ही, बाकी जो लोग था उसके साथ डिस्कस किए थे। चलो देखो, डिटरमाइन द रे, और इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बनाया हो तो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनता। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन, इधर क्वेश्चन लिख लेते कहीं, बाकी लोग सीख लेना इसी बहाने भाई। क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, -1 एंड 8, 9। ये है 3, -1 और दूसरा क्या है 8, 9, और इक्वेशन है x-y-2 = 0। 8, 9 था, यही था ना। और इसको एक दूसरा लाइन सेगमेंट है उसका इक्वेशन दे रखा है x-y-2 = 0, इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो तुम्हें क्या पूछ दिया है, रेशियो पूछ दिया है। तो देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, समझना। एक काम करो, जैसे ये पॉइंट दे रखा है 3, -1 और 8, 9, इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा m = 1 में, ऐसा कर लो m = λ कर लो, इसको पहले बनाओ जिससे बनता है बनाओ, तो देखते हैं कितने लोग से बनता है, कोशिश करो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बस 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं देंगे। सर क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाई है ना, क्वेश्चन नंबर 12।
हाँ भाई किसी से बनेगा ये बता ही दे। एक सेकंड सर बन रहा। टू बाय थ्री आ गया। टू इज टू थ्री। टू इज टू थ्री ठीक है। हाँ देखो बाकी लोग समझो अब बहुत टाइम दे दिए, इतना दिन से बनाया नहीं, आज बना के क्या कर लेगा। चलो तू लोग ही बोलता होगा, मास्टर लोग को एक छोटा सा हिंट मिल जाता है उसके पीछे पड़ जाता है फिर पता है मुझे। चलो देखो अभी ये पता नहीं हम ये गुणगान कितने दिन तक करेंगे तुम लोग के साथ। असाइनमेंट नहीं बनाता है, असाइनमेंट नहीं बनाता है ना, है कि नहीं रियलिटी ये तो बोल ही नहीं रहा है कोई। चलो देखो कैसे बनेगा। हेलो आवाज आ रहा है क्या? हेलो यस सर। अच्छा चलो ठीक है मुझे लगा देखो क्या टू इज टू थ्री है क्या? आंसर तो दिया हुआ है ना पैकेज, कितना है टू इज टू थ्री लिखा तो है। हाँ सर आ गया। चलो देखो जिससे नहीं बना समझना, मैंने क्या किया कुछ रेशियो माना, एम इज टू वन में क्या कर रहा है ये उस स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता तो पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एम इन टू एट एट एम, और इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, एट एम प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एम प्लस वन कॉमा नाइन एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन। ठीक है तो यहाँ से इस पॉइंट का जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एट एम प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एम प्लस वन हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट जो आया ये पॉइंट का पॉइंट पी इसको ले लो ये ए ये बी, और जो वाई कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया नाइन एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन। एक चीज अब तुम लोग बताना, क्लास नाइन में पढ़ा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ भी होता है जैसे वाई प्लस एक्स प्लस टू ही दे रखा है और उसपे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारा का सारा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे जैसे एक्स का वैल्यू तुम्हारा वन दे रखा है और वन दे रखा है, तो इस इक्वेशन में तुम ये पॉइंट का वैल्यू कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट को पुट करो तो वाई का वैल्यू वन और एक्स का वैल्यू वन प्लस टू या माइनस वन होगा यहाँ पे, तो माइनस वन और यहाँ माइनस वन प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, माइनस टू प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो ये जीरो इक्वल्स टू जीरो। हमेशा याद रखना कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारा पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स कि जो भी इक्वेशन होगा और जो भी पॉइंट होगा तुम उस पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट करोगे तो LHS और RHS हमेशा क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा, ये याद रखना। तो उसी तरीके से ये जो पॉइंट P है, सब कोई सुनना ध्यान से, ये जो पॉइंट P है क्या ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है? रिस्पॉन्स करना तुम लोग, चुप मत रहना। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर कर रहा है। ये जो पॉइंट P है इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो जो x का कोऑर्डिनेट और जो y का कोऑर्डिनेट आया इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस सर करेगा। करेगा तो बस क्या करना होगा तुमको इस इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पुट करते चले जाना है। तो क्या लिखोगे
8m plus 3 divided by m plus 1 minus 9m minus 1 divided by m plus 1 equals to 7. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना. इक्वल टू 2 सर. 0 सर. 0 सॉरी 2. यहाँ पे क्या था इक्वेशन, मुझे याद नहीं. x माइनस y माइनस 2 है. y माइनस 2 है. ठीक है ठीक है, सॉरी. तो x माइनस y माइनस यहाँ पे 2 है ना, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. इक्वेशन सॉल्व करना. एलसीएम तुम्हारा m प्लस 1 हो गया, ये तुम्हारा 8m प्लस 3, और यहाँ ध्यान देना माइनस 9m प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 2. तो 8 में से 9 ये हो गया माइनस m. सर प्लस 1, 9m माइनस 9m प्लस 1. हाँ हाँ, इक्वल टू 2m प्लस 2. ठीक है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो. कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 8m प्लस 3 माइनस 9m ही है ना. हाँ ठीक है, तो माइनस 3m, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 10. यार माइनस 10 आ रहा है, देखना कहीं कुछ हुआ होगा. देखिए ना, माइनस 9m प्लस 1 होगा ना. अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 होगा. तो 3 और 1 4 हो गया. समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को? रेशियो एज्यूम कर लेना, रेशियो m is to 1 के टर्म में एज्यूम करके फिर वहां से आगे काम कर लेना. यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस m प्लस 4 इक्वल्स टू 2m प्लस 2. तो ये तुम्हारा इधर आया, तो माइनस 3m और माइनस 2, तो m इक्वल्स टू 2 बाय 3. और रेशियो तुम्हारा कितना था, m is to 1, दैट इज 2 is to 3 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 is to 1. तो रेशियो कितना आ गया, 2 is to 3. किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? समझ में आया क्या करना है? इसको याद कर लो या समझ जाओ. क्या करोगे, m is to 1 रेशियो एज्यूम कर लेना, वहां से x और y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, फिर उस कोऑर्डिनेट को क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट कर दोगे, वहां से रेशियो निकल आएगा, फिर आगे बना जाना. तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कर लेना अपना. जैसे एक ये क्वेश्चन है, एक 14 बना लेना, 14 इसी पे है, और क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरीके का है, ये कर लेना. देखो एक क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को दिक्कत नहीं है ना, एपी इक्वल्स टू यस सर 3/7 ए बी दे रखा है, मतलब रेशियो कितना होगा, ए हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, और ये पॉइंट बी हो गया. एपी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, यानी एपी बाय ए बी कितना दे रखा है, 3/7. तो एपी तुम्हारा 3x हो गया, तो पी बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो रेशियो इस लाइन का क्या हो गया, 3:4. समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? ये कौन क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 7, एपी बाय पी, एपी इक्वल्स टू 3/7 ए बी दे रखा है, तो रेशियो क्या होगा, तो 3:4. ये आना चाहिए यार, बस हम डिस्कस करते हैं. और इसके कोई क्वेश्चन में दिक्कत था किसी को, क्या किसी को भी नहीं था? क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब बनाना है यार खुद से. 12, 13, 14, 15 ये सब मे भी बोर्ड में ना पूछे, बट इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया था, तो इस पर उतना फोकस नहीं होना, सीखने लायक क्वेश्चन था ये सब. चलो बढ़िया है. और कहीं किसी को डाउट कोई भी क्वेश्चन में? कोऑर्डिनेट खत्म है, कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन बनाओ मजे से बैठ के, और जहां भी दिक्कत होगा पूछते चलना कोऑर्डिनेट का. जो भी असाइनमेंट दिए बनाओ, अब पता नहीं क्या करे, तुम लोग का असाइनमेंट भेजे या ना भेजे तुम लोग बताओ भाई, आज लास्टली हम पूछ रहे हैं. हाँ सर भेजिए. बनाता कहाँ है सर, भेज दीजिएगा. सर बनाए तो थे आज, एक भी क्वेश्चन इसमें, हम हर एक क्वेश्चन तुमको नया दिख रहा होगा, कोई भी हम ऐसा क्वेश्चन नहीं कि डिस्टेंस निकालो उसका 10 क्वेश्चन दे रहे हैं. हम थोड़ा सोच के बना रहे हैं यार असाइनमेंट, की नए नए क्वेश्चन सीख सको, मे भी पूछे या ना पूछे, बट आना तो चाहिए, समझ में आना चाहिए ना. वो बोर्ड के लेवल से करना है तो अपना एनसीईआरटी बनाओ, जाओ बहुत है, बट अगर थोड़ा आगे बढ़ना है तो ये सब क्वेश्चन बनाओ. और ये सब बहुत पहले सीबीएसई जब 12-11 सिचुएशन था ना, जब मैंने करा था उस टाइम ये सब क्वेश्चन पूछा करता था 11-12 के टाइम, अब नहीं पूछता इतना टफ टफ क्वेश्चन, बस समझते चलो अपना चीजों को. और कहीं डाउट इसमें किसी को, किसी को अभी कुछ भी?
सर एक ये टू नंबर का जो है ना रेशियो माइनस वन इज टू वन आ रहा है। वो तो तू गलती कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, तेरा गलती है। देखो ध्यान से फिर से बना, फिर से बनाओ, गलती कर रहा है तो खुद से बनाओ। इसके अलावा तुम लोग एक काम का और करेगा, जो हम एपी का असाइनमेंट 4 दिए थे, एटलीस्ट उसके कुछ क्वेश्चन बना जाना असाइनमेंट 5, नहीं तो दिक्कत करेगा आगे चल के। वो पता नहीं यहाँ है या नहीं है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम, बट इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग को सिखा दिए थे, तुम्हारा काम रहेगा। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा इरर था, उसको देख लेना। यहाँ फाइंड द रेशियो ऑफ एन एपी नहीं, ऑफ टू एपी दे रखा है, इसमें भी और इसमें भी, ऑफ टू एपी होगा हर जगह पे। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी, यहाँ भी टू एपी कर लेना, और यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में। बाकी बनाना इस एपी के असाइनमेंट को भी बना सकते हो तो। चलो ठीक है, खत्म करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा तुम्हारा एक क्वेश्चन था ना, बाकी लोग निकलो जिसको निकलना है। अक्षत है कि चला गया? हाँ सर है ना। एक क्वेश्चन तुमने भी, तुम्हारा एक रह गया था चल डिस्कशन करने के लिए, क्वेश्चन रुक जाओ मुझे मोबाइल में है वो क्वेश्चन देखने में दो, क्या था, जिसको जाना है अब जा सकता है। पढ़ाई करो, मेहनत करो भाई, बस यही बोलेंगे। क्वेश्चन तुम्हारा हाँ मिल गया। क्वेश्चन ये था, हम लिख ही दे रहे हैं क्योंकि हम भूल गए इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना। देखना सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा था एपी का था, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। कहाँ का क्वेश्चन है ये सर? आर एस अग्रवाल। अच्छा, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए of radii 0.5 centimeter, comma 1 centimeter and 1.5 centimeter, और आगे ऐसा फर्दर चलते जा रहा है। ठीक है, इसको कर लेना। इतना ही था ना। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव दे रखा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13, मतलब 13 ऐसा ऐसा दे रखा है। तो ठीक तो था ये, 13 कंसेक्यूटिव दे रखा है सेमी सर्कल्स। बाकी जिससे बन रहा है बनाओ, बाकी अच्छे समझना तुम क्या करना था इसमें। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सच, अरे इस वाला, ये ऐसा सिचुएशन है, फिगर दे रखा है इसमें कि एक सेंटर ए है, नहीं फिगर नहीं दिया है, ऐसा है इसका सेंटर ए है, ठीक है ऐसा, फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो एक सेमी सर्कल मिलेगा ना, समझ रहा है। उस केस में अब सेंटर तुम्हारा आगे शिफ्ट हो गया बी पे, फिर इसको आगे ऐसा बढ़ाएगा, ठीक है, तो अब सेंटर तुम्हारा कहीं बी से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, सी पे चला जाएगा। तो ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत आएगा। तुम देखो समझना, अच्छा समझना, तुमको स्पाइरल का लेंथ निकालना है, हर एक सिचुएशन में तुमको क्या मिल रहा है, एक सेमी सर्कल मिल रहा है या सर्कल मिल रहा है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मिल रहा है तो तुम 13 सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल लेगा। हाँ बोलो।
अच्छा आप सुनाई दे रहे थे, उसको बोल रहा था सर मैं फिर अभी ईयरफोन निकाला तो सुनाई दे रहे हैं जी। एनसीईआरटी में भी है। अच्छा एनसीईआरटी में है। मैं पूरे क्लास में बोला, एक डाउट भी था, आप सुन ही नहीं। क्या तुम आवाज ही नहीं आ रहा था तेरा, तो हम क्या करते हैं? रुक जा पहले, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ समझ ना, आधा दर्जन बार कॉल कर चुका हूँ आपके फोन पे। अच्छा तेरा ही फोन आ रहा था, अभी क्लास ले रहे तुम फोन कहाँ से उठाएंगे। हाँ अच्छा समझ ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल कितना बनेगा? 13 स्पाइरल बना, और 13 का 13 स्पाइरल कैसा है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का तो 13 पहला स्पाइरल का सर्कमफेरेंस क्या होगा? पाई आर 1 होगा, सेमी सर्कल है होगा। हाँ क्या होता है तुम्हारा 2 पाई आर होता है सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो सेमी सर्कल का पाई आर 1 हो जाएगा। देखना पहला का रेडियस दे रखा है कितना, 0.5। दूसरा का रेडियस कितना दे रखा है, 1.0, यानी कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 0.5 का चल रहा है। हाँ. चल रहा है तो पाई आर 1 निकल जाएगा तुमसे कितना, पाई आर 1 निकाल लो तो पाई इंटू 0.5 हो जाएगा। ठीक है। हाँ. फिर वैसे ही पाई आर 2 निकाल लो तो पाई इंटू कितना, 1.0, तो एक तुम्हारा हो गया 0.5 पाई, दूसरा क्या आएगा 1 पाई। ठीक है। तो तुम्हारा ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना 0.5, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 13। इसमें सम का फॉर्मूला लगा देना था। अच्छा समझा। हाँ तो तुम a इंटू l कर लेना, लास्ट टर्म ही निकाल लो, लेकिन लास्ट टर्म का रेडियस तुमको नहीं ना पता है, लास्ट टर्म में कहाँ तक रेडियस पहुंचेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उससे अच्छा फॉर्मूला लगा लेना। तो s 13 इक्वल्स टू 13 बाई 2 इंटू 6.5 सेंटीमीटर कट जाएगा। कितना, 6.5 सेंटीमीटर। इतना कम कैसे आ गया? 0.5 कॉमन डिफरेंस है, 0.5 ए है, तो 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 6 प्लस 0.5। आंसर आंसर तो 6 कुछ नहीं दिया, कितना है आंसर पता है तुम लोगों को? आंसर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, होगा भाई। देखो तो कितना आंसर दिया है, हम सॉल्व करते हैं। 13 बाय 2 टू ए, तो 2 इंटू 0.5 प्लस 12 इंटू डी कितना है, 0.5 है। इसको सॉल्व करेगा 13 बाय 2, ये बन जाएगा 1। ठीक है। और ये हो जाएगा 6। 91 बाय 2, पता नहीं आंसर कितना दिया, देखना एक बार मिला करके उसमें से। तुमको सारा स्पाइरल 143 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 143। अच्छा यार पाई हम कहाँ छोड़ दिए, सॉरी 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 माय मिस्टेक। ध्यान देना क्योंकि पहला स्पाइरल का लेंथ तुम्हारा 0.5 पाई है ना, मेरा मिस्टेक हो गया थोड़ा, समझ रहे हो? हाँ हम पाई हटा ही दिए थे। एनसीईआरटी में भी 143 दिया है सर। हाँ तो तू गलती बनाया, तू हवा में तीर मार रहा है, बहुत मारेंगे तुमको हम। कौन? तुम। मैं कहाँ बनाया, मैं तो बताया कि nth टर्म क्या है, 6.5 सेंटीमीटर है। अच्छा सॉरी फिर, मुझे लगा तूने आंसर बोला। 2a प्लस 12 हैंग करता है 0.5। इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा समझे, पाई का वैल्यू पुट करके इसको आगे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन आया समझ में क्या था? हाँ सर। एक स्पाइरल है, फिर दूसरा स्पाइरल बना, फिर तीसरा स्पाइरल बना, ऐसा ऐसा करके कितना स्पाइरल बना, टोटल 13 स्पाइरल बना, और हर एक स्पाइरल का रेडियस 5.5 0.55 से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलो बढ़िया। और कोई क्वेश्चन में डाउट? आंसर नहीं आएगा लेकिन इससे नहीं आएगा, देखना कोशिश करके। कॉमन डिफरेंस 0.5 पाई है, 0.5 नहीं, 0.5। अरे यार सर्कमफेरेंस को ना हम लोग रिलेट कर रहे हैं, 0.5 पाई कर लेना। ठीक है कर लेना इसको। हाँ सर, वो जो दिया था कि डायगोनल क्रॉसेस मतलब कि जो कट्स है उसका मतलब है कि तीसरा कोऑर्डिनेट है क्या, तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो? रुक जाओ रुको, कौन सा 13? हेलो यस सर, इसमें जो डायगोनल कट्स है मतलब कि तीसरा कोऑर्डिनेट है ना, तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब
मतलब कि ये पैरेललोग्राम को डायगोनल है। हाँ हाँ दोनों डायगोनल जहाँ पे कट किया है ना उसका पॉइंट दे रखा है। अच्छा दोनों डायगोनल। अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ डायगोनल्स कट एट लिखा है गधा। डायगोनल्स एस लगा हुआ है। इसमें दो तीन सिचुएशन निकलेगा बना लेना इसको। डायग्राम ऐसा कुछ होगा इसमें। ये हो गया डायग्राम। ये हो गया एक डायगोनल, एक डायगोनल ये, और ये पॉइंट दे रखा है इस डायगोनल का। ठीक है। और तुम्हारा टू वर्टिसेस दे रखा है। वो भी टू वर्टिसेस कहाँ का दिया है नहीं पता है तुमको। थोड़ा सोचना ही कैसे बनेगा। ठीक है चलो बहुत पढ़ लिया आज तुमने। सब भाग ही गया था तीन चार लोग ही था। चलो ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। संडे को टेस्ट है उसका। सिलेबस एपी रहेगा और कोऑर्डिनेट रहेगा ऐसा ही कुछ है। चलो ठीक है। सैटरडे को टेस्ट है। मेल भी डाले हैं क्या? सैटरडे को है। सैटरडे को सैटरडे को है। पॉलिनोमियल्स भी है। रुको हम ही बनाए। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट तो हम बता दे रहे क्या है। क्लास 10 में ना जी तुम लोग। 10 में हम रखे कोऑर्डिनेट और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बस। चलो बढ़िया मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाइम टेबल मिल गया सबको? अच्छा सबको ये व्हाट्सएप में है हम लिंक भेज दे रहे हैं इसका टेलीग्राम का। वो ग्रुप ज्वाइन करो। हम अब व्हाट्सएप के थ्रू हम पढ़ाई लाइन नहीं कर रहे हैं। हम लोग लिंक नहीं भेज रहे व्हाट्सएप। स्मार्ट ट्रिप वाला नहीं नहीं वो नहीं। एक क्लास जैसे तुम लोग का आरबीएच का ग्रुप बना है ना। यस सर। टेलीग्राम पे वैसे ही 10 का ग्रुप बना है। डाउट का है ना? डाउट वाला है उसके अलावा फिर ग्रुप बना है। ओ चलो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।